बिहार निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। और अच्छी खबर यह है कि अब चुनाव समय पर होने वाला है। जी हां, अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है, यानी कि अब तय समय पर ही बिहार नगर निकाय चुनाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग को लेकर एक याचिका लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मांग को खारिज करते हुए निकाय चुनाव पर होने वाली इस सुनवाई को जनवरी में रखा है, यानी कि दिसंबर में जो तय समय है निकाय चुनाव का, उन तय तारीखों पर ही बिहार में दो चरणों में निकाय चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर तत्काल सुनवाई संबंधी याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, उस पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। जनवरी में जो जानकारी मिल रही है, इस याचिका पर सुनवाई होगी, यानी कि तब तक चुनाव संपन्न कराया जाएगा। निकाय चुनाव पर जनवरी में सुनवाई होगी, लेकिन चुनाव दो चरणों में दिसंबर में ही होने हैं। और ऐसे में अब इन चुनावों पर लटक रही खतरे की तलवार फिलहाल हटती दिख रही है। बिहार निकाय चुनाव, जिसको लेकर काफी विवाद हुआ, मामला कोर्ट तक पहुंचा, चुनाव की तारीखों को स्थगित करना पड़ा, अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर विवाद, जिसके बाद ये स्थिति बनी और अब फिर से निकाय चुनाव की तारीख घोषित कर दी गई है। और ऐसे में कोर्ट ने तत्काल सुनवाई संबंधी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है, जिसके बाद अब तय समय पर चुनाव होंगे, ऐसी स्थिति बनती दिख रही है। आपको बता दें, निकाय चुनाव में अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया तत्काल सुनवाई से। निकाय चुनाव तय समय पर ही होंगे। जल्द सुनवाई की मांग वाली याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव के आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई की तारीख जनवरी में तय की है, तब तक चुनाव हो जाएंगे।